वीडियो। और यार मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत चीजें चल रही है इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली बिग बॉस मुनीत सुपरस्टार इंसान एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपन आज देखने वाले इन सब के मीम्स एंड लेट्स गो। बाय द वे कमेंट करके बताओ कि तुम में से बिग बॉस ओटीटी कौन कौन देख रहा है। मैं घर के अंदर भी ऐसा ही हूँ, घर के बाहर भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम रियल। सीधी सी बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। पुनीत ने तो भैया 12 ही बढ़ा दी बिग बॉस वालों की रेटिंग, गिरा दी बिग बॉस की रेटिंग, सिनेमा की रेटिंग गिरा दी यार, इट्स अ बिग डील। असल में बात क्या है ना, ये लोग हजम नहीं कर सकते कि ना यूट्यूबर्स जो है ना वो यहाँ पर आके हमारे साथ एक घर में रह रहे हैं और हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हमसे ज्यादा वोट्स भी ले रहे हैं। तो ये चीज की हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही जो बाकी कंटेस्टेंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ। समझते हैं यूट्यूबर्स को तो यही है बेटा, यूट्यूबर लोग जितना पैसा कमाते हैं ना तुम लोग साल में भी नहीं कमाते हो। टीवी कंटेस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। गजब बेइज्जती है। अब आपकी जर्नी किसी एक सदस्य की वजह से खराब ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। जब से को समझा रहे थे समझ नहीं आ रहा, कोई तंसी मत आ रही है। ना मिले मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई, ना मिले भाई मैं कोई गलत करूंगा तो मैं दूंगा ना। भैया यार थोड़ा बहुत ना पुनीत को सोचना चाहिए था कि अपना जो भी वो है जैसा वो पुनीत था एक्चुअली में, उसको एक सेकंड के लिए थोड़ा साइड में रख के एक सेकंड के लिए सोचता कि यार थोड़े बहुत मैं इनकी बात मान लूं, है ना। वो जैसा है वैसा रह सकता था, बट थोड़ी बहुत उनकी बात मान लेता तो वो शायद नहीं निकलता जी मेरा कद्दू। और मुझे लगता है कि ना पुनीत को निकालने का रीजन मेन यही है कि वो ना सुनता नहीं है किसी की। ही इज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, जो भी वो करता है वो टॉप नॉच है, ठीक है ना। और मुझे पता है क्या लगता है मेन रीजन ये है कि अगर वो वीकेंड के वार में आता और सलमान खान से कुछ बोलते ना तो वो सुनता नहीं। फिर ये चीज मुझे लगता है कि मेकर्स को बर्दाश्त नहीं हो रही होगी कि यार ये तो किसी की सुनता नहीं है। हालांकि वापस आ जाएगा इनको टीआरपी भी तो चाहिए था साल साल। यार ये एक बार दिला दे। अगर कोई खूबसूरत लड़की कहे तो आप काम कर ले कि आप इनको खूबसूरत लड़की की गिनती में लेते हैं। Hey, I'll come look at this. Of course, yaar, she is so beautiful. हुआ छोकरा जवारे जवारे जवार। इतनी क्यूट है यार वो। अभी तक तो लिया था, पर अब जब बोलना शुरू करा तो मैं हटा दिया। अपन रहते हैं अपन ऐसे पिघलते नहीं है, एटीट्यूड में रहते हैं अपने। इंसान शाणा इंसान, डेढ़ शाणा इंसान, और ये आपको कैसी इंसान लगी? सर सुंदर इंसान है। ऐसे में बड़ा यहाँ मैं पिघल गया यार। लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। She is so gorgeous यार। जी मेरा कद्दू। Too many girls on my mind, I can't. तू थप्पड़ मारे मेरे को, इतनी बड़ी नहीं हूँ तू थप्पड़ मारे मेरे को, हाथ लगा के गया साला। एक गेड़ी में सैड बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने फिर जैक स्पैरो पलक। बेबी का सोच रही होगी ये भैंस की टांग क्या बोल दिया मैंने उसको। इतना बैकलैश मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ये बोलने पे मिल जाएगा। और देखो सब जगह फुकरा के सपोर्टर्स छाए हुए हैं। ये जो हवा भरी हुई है ना इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। बिल्कुल सर, थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये एक्साइटमेंट है वैसे हवन। बंदे ने उसी वक्त रिप्लाई दिया। और ये भैंस के टंग ये सबसे रिलेवेंट जजेस बिठा रखे हैं, इनका कोई लेने देना नहीं है। बिग बॉस से आ रहे थे मुंह उठा के कुछ भी बक 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 सवाल पूछ लेंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हवा भरी फिर नकली हवा भरी। हाँ भाई है हवा, क्या मतलब तेरे को? क्या इस घर में पुनीत के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? एग्जैक्टली सेम जवाब, नहीं कर पाऊंगा। ट्राई किया एडजस्ट करने के लिए, ट्राई किया, मौका दे दिया, बहुत चौका, वो तुम्हीं से बात भी नहीं करते और मेरे ख्याल से इट्स इम्पॉसिबल। अब ये जो लिमिट है वो क्रॉस किया है, ये जो सीमा पे ये मैंने देखा था सीन तो नो। उन्होंने इतना लंबा नहीं पूछा, हाँ या ना में जवाब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आया ना मैं जवाब दोनों यार, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ी मांग रहा है बिग बॉस। देखो ये बात तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो बंदा बहुत ज्यादा रियल है, बिल्कुल भी उसमें फेकनेस नहीं है। वो जैसा है अंदर वैसा ही बाहर दिखाता है, ठीक है। और इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए अपन लोगों को, क्योंकि यार बी रियल यार, टीवी एक्टर्स तो साले सबके साथ फेक होते हैं यार।
इनको तो पॉपुलैरिटी भी इसलिए मिल जाती, थोड़ी बहुत जो इनको मिली है ना वो इसलिए मिल जाती क्योंकि जो कैरेक्टर करते हैं ना लोग बाग उसको देख के अटैच हो जाते हैं, इसलिए ये लोग फेमस हो जाते हैं। भाई इनकी रियल पर्सनैलिटी से कौन इतना वो अटैच हुआ होगा? आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा चाहने वाले होंगे इनकी रियल पर्सनैलिटी से कि एक्चुअल में जैसा बंदा है वैसा मुझे पसंद है। पुनीत इज बीइंग रियल, वो जो काम करता है लोग बाग इसलिए उसको पसंद करते हैं। क्या मीम बनाया यार, वेरी नाइस। दोस्तों मैं तो गया यार काम से, गया मेरे दोस्तों मैं काम से यार, मैं गया काम से यार, अब मैं क्या करूंगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ। देखो यार फेम सब लोग कमा लेते हैं, पैसा सब लोग कमा लेते हैं, बट जो काम ये बंदा करता है ना डंके की चोट पे वो लोग बाकी लोग नहीं करते। दैट्स व्हाई पीपल लाइक हिम यार, अच्छी बात है, ऐसा लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं। Don't be so quick to judge, okay? यहाँ पे क्या हुआ था, फुकरा से सलमान ने पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं घर के अंदर जिन्होंने तुम्हें ये बताया था कि जो पूजा भट्ट है वो डोमिनेटिंग है या जो कंट्रोलिंग नेचर है उनका वैसा है। तो यहाँ पे फुकरा को लगा था कि जिया हाथ उठाएगी क्योंकि उसी ने ये बताया था, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया तो वो बाद में ये समझा रहा था कि तूने हाथ क्यों नहीं उठाया, ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हुई। भाई वहां से शैम्पू कर रहा है तो मेरे पास आ रहे हो? नहीं भाई नहीं, ये गलत है, ये गलत है यार, ये चीज तो गलत है यार, कमाल हो गई, चलो ना चेक कर। अरे यार एक बार बताओ, आपने बहुत बोल दिया दो दिन से, अब हमारी बात सुनो। मैं क्यों सुनूं, मैंने क्या कर्जा ले रखा है तुमसे, मैं क्यों सुनूं? एक गड़ी में सैड बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने, फिर जैक्स पैरो बनकर डावा डॉलर देख समुद्रा में। लेकिन यार ये चीज गलत है, उसको सुनना चाहिए था लोगों की यार। एक वो होता है कि यार आप सामने वाले की सुनो फिर आप जवाब दो, एक तो पुनीत भाई सुनते भी तो नहीं ना किसी की, ये भी तो दिक्कत है ना। मैं क्यों सुनूं, मैंने क्या कर्जा ले रखा है तुमसे, मैं क्यों सुनूं? भाई देखो साफ सीधी बात है कि मेरी नजर में किसी की औकात नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, कोई भी हो, मेरा ना किसी से लेना ना देना, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। इसीलिए वो किसी की सुनता नहीं है, इसीलिए वो किसी की सुनता नहीं। ये भाई किसी को कुछ समझते ही तो नहीं है, यही तो बात है ब्रो। अरे आग लगा दी, आग लगा दी, पुलिस सुपरस्टार है, आग लगा दे ए मंगल सॉफ्टली, वही कर ले एक्टिंग। अरे तेरे कहने से चुप हो मां, ये कोई शॉट नहीं, मेरी चेक नहीं, अरे यार सुनता भी तो नहीं है भाई साहब, किसी की सुनता नहीं है, तेरे कहने से चुपाऊंगा क्या मैं? सॉरी मेरा क्या किया, मैं तो सॉरी बोलूं तो भैया निकाल दो ना घर से यार, मैं तो कह रहा हूँ निकाल दो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, निकाल दो, मैं कौन से तलवे चाट रहा हूँ, हाथ में जोड़ रहा हूँ। भाई साहब किसी के तलवे नहीं चाटता है, ठीक है ना, तलवे कौन चाटते हैं, बाकी लोग बाग चाटते हैं। तलवे कौन चाटते हैं मैं बताऊं, देखो पूजा भट्ट हुई, बेबिका हुई, और भी एक दो होंगे जो मैंने अभी ठीक से समझ नहीं पाया हूं मैं, वो है चाटने वाले लोग, इसलिए तो इनको बुलाया भाई। सलमान खान वीकेंड के वार पे आके पूजा भट्ट को सपोर्ट कर रहा है फुल, ही इज लाइक कि बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो क्या, घंटा अच्छा जा रहे हो क्या, तुम तो उसी को सपोर्ट करोगे ना, तुम्हारे इंडस्ट्री के जो है वो यूट्यूबर्स को थोड़ी सपोर्ट करोगे तुम, बट कोई ना वक्त बता देगा। पहली बात तो ये लोग कहते हैं कि जनता के वोट से चल रहा है, घंटा चल रहा है जनता के, जनता की तो ये मुंह भी नहीं लगाते जनता को, इनको जो करना होता है ना वही लोग करते हैं, और जनता तुम लोग ये मत सोचो कि हमारे हिसाब से कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से, इनको जो करना होगा ना वही करेंगे, लेकिन ये ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, मतलब तुम वोट दे रहे हो जो तुम चाहोगे, वो बंदा ऊपर जाएगा वो बंदा जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको जिसको जिताना ना उसी को जिताएंगे, देख लेना तुम लोग। थ्री प्लस सलमान खान से मिलने का एक्साइटमेंट लेवल आपका, मतलब अगर 100 में काउंट किया जाए तो कितना है अभी? देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बिग बॉस लॉर्ड जो है पुनीत सुपरस्टार जो है वो बिग बॉस से बड़ा है, ना कि बिग बॉस पुनीत सुपरस्टार से बड़ा है, तो बिग बॉस वालों को एक्साइटमेंट होनी चाहिए, मुझसे मिलना चाहता है, मैं बिग बॉस वालों से नहीं मिलना चाहता क्योंकि टीआरपी का दूसरा नाम पुनीत सुपरस्टार है। भाई ये जब ऐसी बातें बोलता है ना बहुत लोगों को लगता है कि ये ऐसी
मतलब बकवास कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन जो इसने बोला वो सच हो चुका है। जैसे पुनीत सुपरस्टार निकला, टीआर पे ठप पड़ गई है, ये जो बोलता है ना वो हो जाता है। ऐसे ही है भैया पुनीत भाई, तो डालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, बेइज्जती करूंगा। He is true bro, he is true। और मैंने ना वो भी देखा था, ये लक्ष्य चौधरी के साथ इसका वीडियो आया था, इसमें उसने ऐसा बोला था, मैं तुमको दिखाता हूँ। अबे मेरे पॉइंट का पिज्जा खा लिया तुमने यार, अबे तो तेरी टॉयलेट भी साफ कर रहा हूँ मैं, तो बर्तन तो मैं करता हूँ ना यार। जाना मत बोल तेरे बाहर की अफेयर भी पता है मुझे। तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती, नहीं क्या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे, नहीं क्या? तो दोस्तों आज मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मैं जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आ गया, मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन, नहीं क्या मैंने देखा तो यही क्या ठीक है। एक्चुअली एमसी स्टैन को ऐसा बोलने के लिए बोला गया था बिग बॉस वालों के मेकर्स ने, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू के अंदर बताया पॉडकास्ट के अंदर कि स्टैन का मेरे पास मैसेज आया था, तो वो कह रहा था कि स्टैन को बिग बॉस वालों ने बोला था कि आप अपने सुपरस्टार को ये सब पूछना, पता नहीं वो सच भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। खैर जो भी हो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मुझे लगता है कि तुमको मजा आया होगा है ना, और आई होप कि पुनीत वापस आ रहा है बिग बॉस के अंदर और फुकरा बहुत आगे तक जाए शो के अंदर, ठीक है ना, यही हम चाहते हैं, हमारी ऑडियंस YouTube की जनता है, तुम मैं हम सब यही चाहते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी तुम्हारे मन में विचार आ रहा है वो फटाफट लिख देना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। गड़ी में सैड बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने, फिर जैक्स पैरो बनकर डावा डॉलर देख समुद्रा में, कलम गुरुद मेरी ठेठ सी बोली हरियाणा ते, दरअसल मैं उठका कोई जानदा नहीं जब बाजा ओका सर्कल में, $1,00,000 की गाड़ी तेरे यार के नीचे है, आगे बढ़ने वाले ते सारी दुनिया सदायो खींचा है।